रामनगर वन प्रभाग के कालाडूंगी रेंज अंतर्गत ग्राम सभा बजू नियाजू ग्रामीण हाथियों के आतंक से दहशत में जीने को मजबूर है। वहीं देर रात ग्राम सभा बजू नियालहू में दीपचंद सती के खेतों के गेहूं आलू प्याज की फसलों को हाथियों के झुंड ने रौंद डाला। किसानों का कहना है कि वन विभाग हमारी फसलों के नुकसान का मुआयना कर उचित मुआवजा प्रदान उन्हें करना चाहिए। साथ ही वन विभाग से मांग की है कि वह जंगली जानवरों से हमारी सुरक्षा के लिए कुछ पुख्ता इंतजाम करें। कालाडूंगी से मुकेश छिमवाल की रिपोर्ट। कल रात हाथियों ने गेहूं आलू प्याज कई फसलों को नुकसान किया, जिसमें कि हाथी घर के गेट तक आ गया और हमें जानमाल का नुकसान है। हमें वन विभाग से आग्रह है कि हमारी कोई सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए। कल हाथियों के झुंड ने पूरा बिल्कुल यहाँ प्याज का बिना वो पूरा आगर आगे चैनल गेट तोड़ने को तैयार थे, और जरा वो तो कुत्तों ने जरा हमको वो बता दिया। उसके बाद ये गेहूँ है वो पूरा बहुत नुकसान कर रखा है हाथियों ने। कुछ होता ही नहीं है, यहाँ जंगल के किनारे रहते हैं, कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल पीछे घास बोई है कुछ, बस हाथियों के झुंड ने तो बहुत परेशान कर रखा है। वन विभाग से कहना है कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए।